गांधीनगर के कलोल में बड़ा हादसा, ओएनजीसी की पाइपलाइन में धमाका। कलोल की गार्डन सिटी इलाके में धमाका, गिर गए दो मकान, हादसे में दो लोग घायल। आसपास के इलाके में डर और दहशत। किसानों ने दिन निकलते यूपी दिल्ली बॉर्डर को किया जाम, किसान सड़क पर बैठे। किसानों का आरोप, सुधार पूरणपुर आदि में यूपी गेट से आ रहे किसानों की ट्रॉलियां रोकी गई। यमुना एक्सप्रेस वे पर सुबह सुबह दर्दनाक हादसा, पांच लोग जिंदा चले। एक्सप्रेस वे पर कंटेनर से कार की टक्कर, हादसे के बाद कार में लगी आग। गलत दिशा से आ रहे नागालैंड नंबर का कंटेनर, कार में सवार लोग जा रहे थे दिल्ली। कर्नाटक के कृष्णागिरी में सड़क हादसे का शिकार ट्रैक्टर, पांच महिलाओं की मौत। कुलगाम में सुरक्षा बलों से आतंकियों की मुठभेड़, दो स्थानीय आतंकियों ने किया सरेंडर। जम्मू कश्मीर में डीडीसी चुनाव के लिए वोटों की गिनती शुरू, देर शाम तक आएंगे नतीजे। मतगणना केंद्रों के बाहर सुरक्षा के सख्त इंतजाम, संवेदनशील क्षेत्रों में क्विक रिस्पांस टीम। जम्मू कश्मीर में कई इलाकों में धारा 144 लागू, विजय जुलूस निकालने पर रोक। डीडीसी काउंटर को देखते हुए पीडीपी के तीन नेता गिरफ्तार, नईम अख्तर भी हिरासत में। अपनी पार्टी के नेताओं की गिरफ्तारी पर भड़की महबूबा मुफ्ती, कहा बीजेपी डीडीसी के नतीजे प्रभावित करने में लगी है। एएमयू के शताब्दी समारोह में शामिल होंगे प्रधानमंत्री, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए छात्रों को करेंगे संबोधित। एएमयू में पीएम के कार्यक्रम की जोरदार तैयारियां, शताब्दी समारोह के लिए दुल्हन की तरह सजाया गया यूनिवर्सिटी। एएमयू में शताब्दी कार्यक्रम से पहले सुरक्षा के सख्त इंतजाम, कैंपस के चारों ओर बड़ी तादाद में जवानों की तैनाती। पीएम के कार्यक्रम से पहले एएमयू में छात्रों ने लिखी चिट्ठी, कहा यूनिवर्सिटी को अल्पसंख्यक दर्जा दिलाने में करें मदद। पीएम के कार्यक्रम से पहले छात्रों ने एएमयू को बदनाम करने का भी उठाया मुद्दा, कहा आतंकवाद की नर्सरी बताने वालों के खिलाफ हो कार्रवाई। पीएम के कार्यक्रम का एएमयू के शिक्षकों ने किया स्वागत, चिट्ठी लिखकर फंड को 20 से 25 फीसदी तक बढ़ाने की मांग। एएमयू में पीएम के कार्यक्रम पर इतिहासकार इरफान हबीब ने उठाए सवाल, कहा यूनिवर्सिटी में स्कॉलर आते हैं। इसमें प्राइम मिनिस्टर आए या ना आए उससे क्या फर्क दुनिया को पड़ता है, और खासतौर ऐसे प्राइम मिनिस्टर आए जो हिंदुस्तान के पुराने कल्चर को मिसरीड कर रहे हैं। एएमयू के कार्यक्रम में डाक टिकट जारी करेंगे प्रधानमंत्री, शताब्दी गेट का करेंगे उद्घाटन। पीएम मोदी को ट्रंप की तरफ से लीजन ऑफ मेरिट सम्मान, राजदूत तरनजीत सिंह ने पीएम की ओर से लिया सम्मान। बंगाल में बढ़ाया जा रहा है सियासी घमासान, आज अमित शाह के आरोपों पर पलटवार करेंगी ममता बनर्जी। गृहमंत्री अमित शाह पर भड़की ममता, कहा गलत तथ्य बोलकर बंगाल के लोगों का ना करें अपमान। ममता बनर्जी ने अमित शाह पहले प्लीज क्रॉस चेक कीजिए, मेहनत करके आपने जो जो बात कल कहा है हर बात के लिए मेरे पास एविडेंस है, मैं कल इसको रिप्लाई करेंगी। ममता बनर्जी ने अमित शाह पर लगाया झूठ बोलने का आरोप, कहा गृहमंत्री को नहीं देता है ये शोभा। जी आप तो होम मिनिस्टर है, आपको ये शोभा नहीं देती कि आप कोई गंदा बात, झूठा बात जो आपका पार्टी वॉल का तैयार कर दे वो आप क्रॉस चेक नहीं करके बोले। बोलपुर में अमित शाह के शक्ति प्रदर्शन का जवाब देंगी ममता बनर्जी, कहा 29 दिसंबर को करूंगी रैली। ममता बनर्जी ने बीजेपी को बताया चीटिंग बास पार्टी, कहा सियासत के लिए कुछ भी कर सकते हैं वो लोग। ममता बनर्जी ने चलाया पवार कार्ड, एनसीपी प्रमुख से केंद्र के खिलाफ एकजुट होने को लेकर की बात। राज्यों को अस्थिर करने के आरोप पर विपक्ष के लामबंद करेंगे शरद पवार, ममता बनर्जी को एनसीपी मुखिया ने दिलाया भरोसा। ममता दीदी और पवार साहब के बीच में बात हुई है, देश के अन्य दलों के नेताओं के साथ भी बात होगी, दिल्ली में बैठक हो सकती है, अगर जरूरत पड़ी तो पवार साहब स्वयं कलकत्ता जाएंगे, देश के और नेता जाएंगे। बंगाल में बीजेपी के कद्दावर नेता सौमित्र खान के घर में राजनीतिक दरार, पत्नी सुजाता टीएमसी के साथ। उस पार्टी तब किया था जब वो पार्टी का दूरदीन था और पार्टी से मेरे को कुछ भी सुविधा नहीं मिला और मैं उस पार्टी से कुछ सुविधा लेके भी नहीं ज्वाइन किया। टीएमसी में शामिल होने के बाद पत्नी पर भड़के सौमित्र खान, देंगे तलाक का नोटिस, वापस ली कार और सुरक्षा सुविधा। मैं डिवोर्स नोटिस भेजने के बाद मेरा एक ही काम है, भाजपा के लिए काम करना, वो सुजाता हो क्या जो भी हो। शुभेंदु के पार्टी में आते ही बीजेपी ने डिलीट किया नारद सिंह का वीडियो, पैसे लेते दिखे थे टीएमसी के कई नेता। किसानों के आंदोलन का 27वां दिन आज, सरकार के प्रस्ताव पर मंथन करेंगे। दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों ने लगाए हैं मॉडर्न टेंट, एक साथ पांच लोगों के रहने की व्यवस्था। सिंगू बॉर्डर पर पंजाब के किसानों ने निकाले ट्रॉली, टाइम्स न्यूज़पेपर, आंदोलन में बैठे किसानों के पास पहुंच रहा है अखबार।
गाजियाबाद प्रशासन के रवैये से नाराज है आंदोलनकारी किसान। डीएमएसपी ने आंदोलन की जगह पर जाकर की चर्चा। यूपी से बड़ी संख्या में किसानों का दिल्ली कूच, कृषि बिल के खिलाफ प्रदर्शन में होंगे शरीक। दिल्ली में आंदोलन पर बैठे किसानों को पंजाब से लगातार पहुंच रही मदद। घर घर जाकर पैसा इकट्ठा कर रहे हैं लोग। महाराष्ट्र से दिल्ली के लिए निकला किसानों का जत्था, आंदोलन का करेंगे समर्थन। किसान आंदोलन खत्म करवाने के लिए हरियाणा की दो बेटियों ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी, कहा जिद छोड़िए, किसानों को उनका हक दीजिए। पंजाब के आढ़तियों ने किसानों को दिया समर्थन, 22 से 25 दिसंबर तक मंडी बंद रखने का ऐलान। किसानों के निजी खातों में विदेशों से आई फंडिंग पर बैंक अधिकारियों ने की पूछताछ, किसानों में रोष। यूपी के एटा में लव जिहाद का मामला, लड़की के परिवार ने जावेद सहित 11 लोगों पर दर्ज कराया केस। मामले में 6 लोगों की गिरफ्तारी, जावेद समेत 5 लोग पुलिस की पकड़ से दूर। पुलिस ने 25,000 के इनाम का किया ऐलान। यूपी के सिद्धार्थनगर में 3 तलाक को लेकर एक महिला ने दर्ज कराया मामला, पीड़ित की 10 साल की है बच्ची। यूपी के बहराइच में कोचिंग से लौट रही छात्रा केमिकल अटैक से पीड़ित, जिला अस्पताल में चल रहा इलाज। रामपुर में एक महिला पर तेजाबी हमला, दोनों आरोपी फरार। नए कोरोना वायरस की आहट, देश में अलर्ट। यूरोप मिडिल ईस्ट से आने वाले लोगों का होगा क्वारंटीन। ब्रिटेन में कोरोना के नए स्ट्रेन को देखते हुए हाई अलर्ट पर मुंबई। ब्रिटेन से आने वाले यात्रियों को किया जाएगा 7 दिन क्वारंटीन। नए कोरोना वायरस को लेकर महाराष्ट्र में तैयारी, विदेश से आने वालों को क्वारंटीन किए गए 2,000 कमरे। कोरोना के लक्षण वाले यात्रियों को भेजा जाएगा 7 हिल्स अस्पताल, बीएमसी ने जारी की गाइडलाइंस। महाराष्ट्र में कोरोना को देखते हुए क्रिसमस और नए साल के जश्न बढ़ सकती, शहरी इलाकों में रात में लगेगा कर्फ्यू। ब्रिटेन में कोरोना की नई लहर के कारण हाई अलर्ट पर एयर इंडिया, पायलट और कैबिन क्रू से कमरे में रहने की अपील। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 3,800 नए मामले, 18,96,000 के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में सामने आए 803 नए मामले, एक दिन में 27 की गई जान। दिल्ली में 10,000 के नीचे आई सक्रिय मरीजों की संख्या, 96.83% हुई रिकवरी दर। भारत और रूस मिलकर कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक वी का करेंगे निर्माण, रूसी राजदूत ने दी जानकारी। आज लखनऊ के दौरे पर दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, दिल्ली मॉडल पर चुनौती को लेकर बहस को तैयार। 10 महीने जेल से रिहा हुई आजम खान की पत्नी तंजीम फातिमा, समाजवादी पार्टी ने संविधान की जीत बताया। आरजेडी के बैनर और पोस्टर में लालू राबड़ी की दोबारा एंट्री, चुनाव के दौरान दोनों की तस्वीरों को हटाया गया था। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे की लड़ाई में फंसा ट्विटर, 100 करोड़ की मानहानि के केस में कोर्ट से मांगा जवाब। राज्यसभा की 2 खाली सीटों पर अलग अलग दिन चुनाव चाहता एसी, विपक्ष को ऐतराज। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर ने एएसपी को दी धमकी, कहा सरकार चली जाएगी पर नौकरी तो यहीं करोगे। बाड़मेर में बीजेपी पार्षदों का हंगामा, सभापति के चेंबर में घुसकर बहस। रिश्वत और वसूली कांड में नोएडा से गिरफ्तार एमपी के 2 पुलिस वालों को शिवराज सरकार ने किया बर्खास्त, 1 एसपी मुख्यालय में अटैच। राजनीति की भेंट चढ़ी प्रधानमंत्री आवास योजना, सैकड़ों के खातों में किश्त पर प्रशासन लगाई रोक, लोग हुए बेघर। ड्रग्स मामले में अभिनेता अर्जुन रामपाल से मुंबई में 6 घंटे पूछताछ, एनसीबी ने भेजा था समन। रात भर नदी के सर्द पानी में तैरती रही महिला, 10 किलोमीटर दूर मछुआरों ने बचाया। असम के जोरहाट में ट्रेन से कटा तेंदुआ, दांत नाखून ले उड़े तस्कर। सैलानी की गाड़ी के सामने आया बाघ, 15 मिनट तक वीडियो बनाते रहे लोग। कुएं में गिरे शेर का रेस्क्यू, एनिमल केयर सेंटर भेजा गया। कैंगरे पीड़िता से मिले पप्पू यादव, हर संभव मदद का दिया भरोसा। दिल्ली समेत पूरे एनसीआर में ठंड का कहर जारी है। दिल्ली में 3 से 4 डिग्री के बीच है न्यूनतम तापमान। पंजाब और हरियाणा में शीतलहरी का प्रकोप 3.2 डिग्री पर पहुंचा। आदमपुर में न्यूनतम तापमान। कश्मीर के चिलाई कलां की शुरुआत, 40 दिन तक चलेगा बर्फबारी और शीतलहरी वाली ठंड। जबरदस्त ठंड और शीतलहर की चपेट में उत्तराखंड, लोग की मुश्किलें दोगुनी कर रहा है घना कोहरा। बिहार में ठंड का प्रकोप, ठंड ने किया बेहाल, धुंध और शीतलहर ने बढ़ाई मुश्किल। उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में शीतलहर का सितम, सोनभद्र में 3 डिग्री पहुंचा न्यूनतम तापमान। बर्फबारी के बीच जंगल में लगी आग, रिहायशी इलाकों तक फैलने का खतरा। उत्तर पश्चिमी भारत में जल्द मिल सकती है ठंड से राहत, मौसम विभाग के मुताबिक बदलेंगे शीतलहरी के हालात। माघ मेले में साधुओं के जमीन का आवंटन हुआ शुरू, सबसे पहले डंडीबाड़ा में मिली जमीन। उत्तराखंड में रुद्रप्रयाग के कोरोना अस्पताल में भीषण आग, 15 लाख रुपए का सामान जलकर खा। बेखौफ बदमाशों ने सरेआम की बमबाजी, 2 लोगों को लगे बम के छर्रे। आधा दर्जन हमलावरों ने की तोड़फोड़, चुनावी रंजिश में तोड़फोड़ का आरोप, 6 के खिलाफ मामला दर्ज। हथियार लहराते नजर आए लुटेरे, बैंक से ले गए 1,35,000 रूपए। कंप्यूटर के सामान दुकान में आग, एक युवक की जलकर मौत। चलती कार में आग से हड़कंप, बीच चौराहे पर खाक हुई गाड़ी, बाल बाल बचे सवार। विशाखापट्टनम में कई होटल्स में पुलिस की सख्ती, 100 किलो गांजा, करीब 1 करोड़ का कैश बरामद। बिहार के जमुई में